भीषण गर्मी के चलते देश भर में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, साथ ही देश के एक चौथाई पावर प्लांट बंद है। नतीजा 16 राज्यों में 10 घंटे तक के लिए लोड शेडिंग शुरू हो गई है। इससे आधे देश में अंधेरे की आहट मिल रही है और ये चिंता का विषय बनता दिखाई दे रहा है। देश के कई प्रमुख राज्यों व राजधानी दिल्ली सहित कई महानगरों में भयंकर बिजली संकट है। इसके कारण नागरिकों को घंटों लोड शेडिंग की मार सहन करनी पड़ रही है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक देश भर में 10,000 मेगावाट यानी 15 करोड़ यूनिट की कटौती हो रही है, लेकिन बिजली की कमी वास्तव में कहीं ज्यादा है। उधर कोयले की कमी के संकट के बीच दिल्ली सरकार ने मेट्रो और अस्पतालों समेत कई आवश्यक संस्थानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति में असमर्थता जताई है। राजधानी के प्लांट्स में एक दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में 3000 मेगावाट से ज्यादा की कमी है। उसी तरह महाराष्ट्र में भी स्थिति बनती नजर आ रही है। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने राज्य की जनता को आश्वस्त किया है कि वे हर हालत में लोड शेडिंग को रोकने का प्रयास करेंगे। राउत ने कहा है कि देश के 16 राज्यों में लोड शेडिंग हो रही है, जिसमें अधिकतर भाजपा शासित है। महाराष्ट्र में पूरी ताकत लगाकर लोड शेडिंग नहीं होने देने का काम किया जा रहा है। बिजली कंपनी के सारे अधिकारी और सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि कहीं लोड शेडिंग न करनी पड़े। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।